हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में चलिए देखते हैं, नो कांटेक्ट में अगर आप अपने पर्सन के साथ हैं तो ये जो पर्सन है, ठीक है, वो आपको लेकर नो कांटेक्ट में अगर आप है तो ये जो पर्सन है आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपको लेकर इस वक्त क्या फीलिंग्स है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा टू क्लेम दिस एनर्जी। चलिए देखते हैं, ये जो नो कांटेक्ट में है आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, फिर देखेंगे आप क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे, नो कांटेक्ट में ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। सेवन ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। फोर ऑफ वैंड्स, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्ड, नो कांटेक्ट में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, तो आपके पर्सन जो है वो हो सकते हैं जिम्ना, लिब्रा, एक्यूरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और यहाँ पर जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी है। और कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, तो नाइन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, और हेरोफेंट। एंड ऑफ द डेक यहाँ आता है, आ रहा है, सॉरी, एट ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ सोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो पर्सन है, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें काफी ज्यादा हर्ट हुए हैं पास्ट में, या तो आपने इस पर्सन को, जो हो सकता है कि आपने ही इस पर्सन से डिस्टेंस बना लिया था, या फिर इस पर्सन ने अगर खुद ऐसा कोई डिसीजन लिया था तो उसके वजह से ये पर्सन इस वक्त उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जब इस तरीके की सिचुएशन हुई थी कि या तो आपने इस पर्सन को छोड़ा था, या आपने इस पर्सन या इस पर्सन ने आपको छोड़ा था। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट में ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी वजह से या तो ये पर्सन उस सिचुएशन को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, या आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा जो भी हो सकता है, ठीक है, आप, हो सकता है आपके बारे में ये पर्सन सोच रहे हो कि आप छुपा रहे थे, या हो सकता है कि आपके पर्सन छुपा रहे थे, एनर्जीज जो है वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है हाइड कर रहे थे आपके पर्सन कुछ चीज़ें, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी थी उसको लेकर आपके पर्सन कुछ बातें छुपा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर अब आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसा लगता है शिफ्ट हो रही हैं, पहले जैसे थी उससे काफ़ी शिफ्ट हो रही है। ये पर्सन जो है आपकी कमी अपने लाइफ में इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी में रहते हैं, पर इतना बाहर से शो नहीं करते हैं, ठीक है, बाहर से बहुत ज़्यादा ये पर्सन खुद को स्थिर रखते हैं। हो सकता है इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सोसाइटी में, कुछ ऐसा रिस्पेक्ट है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है जितना अंदर जो पेन है वो आपके पर्सन बाहर शो नहीं करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, आपको, आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपके पर्सन फील करते हैं, और ये सारी चीज़ें इसलिए फील करते हैं क्योंकि यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स। क्योंकि नो कांटेक्ट के बावजूद भी ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। ये पर्सन आपको लेके बहुत स्ट्रांगली इमोशनल फील करते हैं, इनको, आपको, इन सिंगल वर्ड ये पर्सन आपको
को बहुत चाहते हैं, ठीक है, और ऐसा लगता है उन्हें कि हो सकता है कि आपकी मैरिज कहीं और हो गई है जिसकी वजह से, या आपकी मैरिज कहीं और फिक्स हो गई है जिसकी वजह से ये पर्सन खुद को इस रिलेशनशिप पे बिट्रेड फील करते हैं। आपके पर्सन रात भर जागे रहते हैं, सोचते हैं किस तरीके से आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है वो ठीक की जाए, इस तरीके से सोचते हैं। हो सकता है कुछ फैमिली की रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से ये पर्सन कुछ भी कदम नहीं उठा पा रहे हैं, पर ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं। रात भर जब जागते हैं तो इनके जो है दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है। साथ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस से भी गुजर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एट ऑफ वैंड्स है, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, और यहाँ पर एम्प्रेस है और पेज ऑफ सोर्ड भी है। ये पर्सन आपको लेकर स्पाई करते हैं, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको सोशल मीडिया में देखा है और उनको ऐसा लगता है जैसे आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो गए हैं, तो इस पर्सन के अंदर एक बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटली ये पर्सन एक तरीके से उदास हो जाते हैं सिचुएशन को देखकर कि आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन क्यों आई है कि नो कांटेक्ट हो गया है। तो आपने जब से इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट बनाया है तब से ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। और किसी सिचुएशन को लेकर ये पर्सन दोबारा ट्राई करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है ये पर्सन दोबारा ट्राई करना चाहते हैं। देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील करें आपको लेकर, आपके पर्सन आपको लेकर और क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। नो कांटेक्ट में ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ये पर्सन आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं या कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन बार बार सोच रहे हैं उससे भी ये मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। क्या मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, और देखिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से रिकनेक्शन हो जाए, फिर से आप दोनों रिकनेक्ट हो जाओ ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत तड़पते हैं। अभी भी ये इस पर्सन को उम्मीद है कि सिचुएशन ठीक हो सकती है आप लोग के बीच में, ऐसा सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, सराउंडेड बाई लव फीलिंग्स, ठीक है। इस वक्त देखिए क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ईश्वर से गाइडेंस मिला है या ड्रीम्स के थ्रू कुछ ऐसा गाइडेंस मिला है जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपकी और भी वैल्यू पता चली है इस नो कांटेक्ट के बाद, ठीक है। तो ये एक पर्पस से हुआ है यूनिवर्स की तरफ से नो कांटेक्ट आप लोग के बीच में, तो अभी इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, सराउंडेड बाय लव फीलिंग्स। और आपके पर्सन के दिल में क्या फीलिंग्स है, सीरियसर, ओपन माइंडेड, इजली अवेलेबल, इस कार्ड का मीनिंग देखेंगे। और फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन, ये कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी है, आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकता है इस आपके पर्सन को सीड्यूस कर रहे थे या कुछ ऐसा कर रही थी या कर रहा था जिसकी वजह से आपके पर्सन कुछ टाइम के लिए अपने जो है एथिक्स से ये पर्सन डोल गए थे। अब देखिए कितना रिग्रेट फील कर रहे हैं, फीलिंग सॉरी, रिग्रेट एंड क्राइंग। तो इस वक्त ये जो पर्सन ने जो गलत कदम उठाया था उसकी वजह से अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, ऑब्स्ट्रक्टेड, सफोकेटिंग, ठीक है। खुद ही अपने में मन में ऐसा लग रहा है जैसे एक ऐसे सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन में है, ठीक है, एक ऐसे कैद में है जहाँ से वो खुद ही निकल नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और फंस चुके हैं उस जाल में। और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ट्रू लव, अफेक्शनेट, सोलमेट, आपके पर्सन को लगता है कि आप ही उन्हें इस सफोकेटिंग सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, आप अगर माफ कर दोगे, आप उनके लाइफ में वापिस आ जाओगे तो
तो सिचुएशन फिर से ठीक हो जाएगी, आपके प्यार से ये पर्सन हील हो जाएंगे। और क्या फील कर रहे हैं? कंफर्ट जोन, लेजी, इनएक्टिव। ठीक है, आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं? ब्रेकअप, सेपरेशन। ठीक है, आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो आपको ग्रांटेड हो सकता है लेते थे, जिसकी वजह से देखें यहाँ रॉन्ग डिसीजन, गैम्बलिंग एंड लीप इन द डार्क। तो आपके पर्सन ने हो सकता है कि कोई रॉन्ग डिसीजन लिया था और आपको टेक फॉर ग्रांटेड लेते थे, और जिसकी वजह से ये पर्सन इतना रिलेशनशिप में कोई भी एफर्ट नहीं करते थे, और किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी का इंटरफ्रेंस हो गया और आप दोनों के बीच में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आ गई। अब ये पर्सन जो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने एक डिसीजन लिया है और खुद एकदम डार्कनेस में चले गए हैं। ठीक है, वहाँ कुछ भी पॉजिटिव आपके पर्सन के साथ हो नहीं रहा है। अब आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? देखिए, एटर्नल यूनियन, लव फॉर एवर, ट्विन फ्लेम। अब आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ वो आत्मिक कनेक्शन फील करते हैं, और ये जो प्यार है आज का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। आप दोनों के जो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। चलिए तो देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेकर और क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है, आई एम अफ्रेड टू लूज यू एंड यू आर नॉट इवन माइन। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में बहुत ज्यादा डर है। अभी तक हो सकता है आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में आए नहीं हो, और फिर भी उनको लगता है जैसे कि आप उनके अपने हो और वो आपको खोने से बहुत डरते हैं। और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? नो मोर लव सिग्नल्स, कम ऑन एंड कन्फेस मी। ठीक है, आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि और लव सिग्नल्स, उन्हें पता है कि आप भी उन्हें चाहते हो, पर वो चाहते हैं कि अब प्यार कन्फेस कर देना चाहिए। आई फाइंड एक्सक्यूजेस टू बी क्लोजर टू यू। तो आपके पर्सन बहाना ढूंढते हैं, बहाना ढूंढने की या तो कोशिश कर रहे हैं या बहाना ढूंढ रहे हैं कि आपसे और भी क्लोज आ पाए, आपके और भी पास आ पाए। आई फील अलाइव बिकॉज ऑफ यू। तो आपकी वजह से ही आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जिंदा है, उनका जो दिल है वो काम कर रहा है आपकी वजह से। जस्ट थिंकिंग अबाउट यू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस एंड ट्विंकल इन माई आइज। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि आपके बारे में सोचने से ही आपके पर्सन के चेहरे में एक स्माइल आ जाती है और आंखों में एक चमक आ जाती है, इतना आपसे ये पर्सन इस वक्त कनेक्टेड फील करते हैं। चलिए और देख लेते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेकर और क्या फील कर रहे हैं। आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज। तो आपके बारे में सोच कर रोते हैं पर किसी को पता नहीं चलने देते हैं। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। जब भी रात को आपके पर्सन सोते हैं तो आप ही के सपने देखते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। आपको बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा बदल गए हो। यू डोंट रियलाइज वेन यू हर्ट मी। आपको बोलना चाहते हैं कि आप जब उनको तकलीफ देते हो तब तो आप ये समझ नहीं पाते हो। लव, या फिर आपके पर्सन ने जब आपको हर्ट किया था उस वक्त ये पर्सन इतना रियलाइज नहीं कर पाए थे कि आपको हर्ट कर रहे हैं। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। आपके पर्सन ये भी आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सुन के आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रिलैक्स्ड फील करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो। चलिए देखते हैं, जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो अपने पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। फूल, एस ऑफ कप्स, एम्परर, किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स। वर्ल्ड, एंड ऑफ द डेक। आप, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के बिहेवियर से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। ये पर्सन एक पल में ऐसा शो करते हैं जैसे कि के लिए बहुत ये पर्सन पैशनेट है, और दूसरे ही पल ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच्ड बिहेव करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने लाइफ में कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए कि आपने अपने लाइफ में एक नए पर्सन के साथ आपने एक नई शुरुआत कर ली है। हो सकता है आपकी मैरिज कहीं फिक्स हो गई है, जिसकी वजह से आप उस मैरिड पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर देख रहे हैं। ठीक है, और आप फिर भी इस पर्सन जो है आपके
इस पर्सन को लेकर आपके दिल में अभी भी वो रेस्पेक्ट है क्योंकि आपने भी इनके साथ अच्छे पल बिताए हैं, तो ऐसा लगता है मुझे कि आप इस पर्सन के बारे में सोचते तो है, आपके दिल में इस पर्सन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में इस वक्त अपना एनर्जी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी बता रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त तो डिस्टेंस है, और एक ऐसा लगता है आपने आप दोनों ने एक फेज अपनी लाइफ का कंप्लीट किया है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में एक फेज कंप्लीट हुआ है, एक नए अब फेज की शुरुआत होने वाली है। अगर आपके लाइफ में और कोई दूसरा पर्सन नहीं है आपके पर्सन के अलावा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ एक नई बिगनिंग के बारे में सोच रहे हो, और आप इस पर्सन को लेके अभी भी वैसी ही स्ट्रांग फीलिंग्स है जैसे कि आपके पहले थी, क्योंकि ये पर्सन आपके लाइफ को रूल करते हैं, मतलब ये आपके दिल के राजा या दिल के आपकी रानी है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को अपने लाइफ में एक स्पेशल जगह देते हो। आप चाहते हो कि आप दोनों एक कपल बन जाओ, आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग, आप दोनों एक दूसरे से मैरिज हो जाए, या इस तरीके से आप सोचते हो, तो आपके पर्सन इस तरीके से आप इस तरीके से फील कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए आपके एकदम बिल्कुल परफेक्ट मैच है, जिसकी वजह से आपके दिल में ऐसी इस पर्सन के लिए फीलिंग्स है, तो आप इस पर्सन को एक नया चांस देना चाहते हो क्योंकि आपके दिल में इस पर्सन के लिए प्यार है। ठीक है, और जो फर्स्ट सिनेरियो मैंने आपको बताया, अगर आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो तो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, पर इस इंसान की रेस्पेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू क्लेम दिस एनर्जी, और कमेंट सेक्शन में रीडिंग कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।